नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु फॉर शॉप्स की, या मैं यूं कहूं वास्तु फॉर कॉमर्शियल्स की, जिसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर विषय के बारे में कमेंट किया और बोला कि हमें इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए, किस तरीके से हम व्यापारियों को बेनिफिट दे सकते हैं कि वो जब वास्तु अप्लाई करें तो उनके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, कैसी फेसिंग होनी चाहिए, कहां पर लॉकर होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, और अलग अलग तरीके के व्यापार जब किए जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, किन किन व्यापारों में कौन कौन सी दिशाएं महत्वपूर्ण है और उनका ध्यान रखने से आपका व्यापार बहुत अच्छा और समृद्धि से चल सकता है। तो बिना रुके हम बात करते हैं। जब हम कॉमर्शियल्स की बात करते हैं तो रूल जो है वो हमारे बिल्कुल बेसिक्स की तरह स्टिक ही रहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर रूल आता है एंट्रेंस। क्या आपकी जो एंट्रेंस है वो सही है, वो उपयुक्त है, वो बिल्कुल करेक्ट है? अगर आपकी एंट्रेंस N3, N4, E3, E4, W3, W4 या S3, S4 है तो आपका बिजनेस में फुटफॉल तो अच्छा बना रह सकता है, उसमें कोई खास दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एंट्रेंस और पैसे की एंट्रेंस है। नंबर दो, आपको जितने भी एंटी एलिमेंट्स हैं, जैसे कलर्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपका बिजनेस किसी थीम बेस्ड पे नहीं है तो आपको अपनी जो बिजनेस की दुकान है, शॉप है, ऑफिस है, उसमें आपको क्रीम कलर का इस्तेमाल करना है और इसी को इस्तेमाल हमेशा करना है। और बार चार्ट बैलेंसिंग में जो भी आपके जोन्स बड़े हुए हैं या तो उनको कम कर दीजिए या जो कम है उनको बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दुकान नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे है तो नॉर्थ और साउथ बढ़ा हुआ होगा, तो नॉर्थ में ग्रीन कलर और साउथ में येलो कलर करवा के उसको बैलेंस किया जाता है। बार चार्ट बैलेंसिंग को अच्छे से सीखने के लिए आप मेरे सेशंस को देख सकते हैं और बार चार्ट वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। जब हम इनकी बात कर लेते हैं तो आपको कलर्स की समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं कि आपको बैठना कहां पर चाहिए, किस तरीके से आपको कौन सी डायरेक्शन में बैठने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जब हम बैठने की बात करते हैं तो दो बातें आती हैं, एक आती है फेसिंग और एक आती है सिटिंग। जब हम फेसिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमेशा आपकी नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग ही होनी चाहिए। उसका लॉजिक क्या है? ईस्ट आपको कनेक्शंस बनाकर देती है और नॉर्थ आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। तो जब आप ऐसी दुकान पर बैठते हैं जिन दुकानों में ग्राहक बहुत ज्यादा आना होता है, जैसे सबसे पहले किराने की दुकान की बात करें, जनरल स्टोर की बात करें, मेडिकल स्टोर की बात करें, जहां पर रेगुलर फुटफॉल ऑफ ग्राहक या कस्टमर चाहिए, वहां पर हमेशा आपको नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग ही बैठना चाहिए। अगर आपका ऐसा कोई ऑफिस है, ऐसा कोई शॉप है जहां पर एक टेक्निकल काम होता है, जहां पर आराम आराम से भी कस्टमर आते हैं, या एक या दो कस्टमर से आपका पूरा वक्त निकल जाता है, दिन या महीने निकल जाते हैं, तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप वेस्ट फेसिंग बैठे। देखो, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सभी लोगों को अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए। वेस्ट फेसिंग बैठने से आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, आप लिखा पढ़ी का काम बड़ा अच्छा करते हो, आपकी अकाउंटेंसी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो जब आप वेस्ट फेसिंग बैठोगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब आप नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग बैठोगे तो आपके कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगा। जब आपका ग्राहक कोई महीने का एक है, जैसे आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो, आप आर्किटेक्ट हो, तो आपके महीने के 1, 2, 5, 10 क्लाइंट है, तब आपको कस्टमर फुटफॉल की जरूरत नहीं है, तब आपको जरूरत है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की और अपनी स्किल्स पर काम करने की। साउथ फेसिंग ज्यादातर अवॉइड किया जाना चाहिए। जो लोग एक्टर हैं, जो लोग आर्टिस्ट हैं, वो लोग फिर भी साउथ फेसिंग करके बैठ सकते हैं। ये बात हुई फेसिंग की। अब बात करते हैं सिटिंग की, आपको बैठना कहाँ चाहिए। जो किराने की दुकान है, जो होलसेल की दुकान है, जहां रेगुलर फुटफॉल चाहिए, जो जनरल स्टोर है, जो मेडिकल स्टोर है, उसमें हमेशा नॉर्थ में ही बैठना अच्छा है, मतलब नॉर्थ फेसिंग और नॉर्थ में बैठे। दूसरा ऑप्शन है वेस्ट में बैठ के नॉर्थ फेसिंग कर ले। ये दो सबसे बेहतरीन आपके जगह बनती है बैठने की। अगर आप इस तरीके से बैठे हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में हो, किसी स्किलफुल में हो, तो आप बैठने के लिए वेस्ट को चूज करके वेस्ट में ही फेसिंग कर ले। आप साउथ वेस्ट में बैठ के वेस्ट में फेसिंग कर ले, आप साउथ में बैठ के भी वेस्ट में फेसिंग कर सकते हैं। ये सभी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी रहती है। अब तीसरे नंबर पर बात आती है कि आप अपना कैश कहां पर रखें। रोज की दुकान है तो नॉर्थ में या साउथ ईस्ट के अंदर आपका कैश रखा जा सकता है, लेकिन अगर रोज की दुकान नहीं है तो आप वेस्ट के अंदर अपना गल्लक या लोकर रखना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तब साउथ ईस्ट में इतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर रेगुलर फ्लो बना रहेगा तो वो जलती हुई अग्नि का काम करेगा, लेकिन अगर वो रुक गया तो वो राख बन सकता है, वो जल सकता है। जब आप रोजमर्रा की बात करते हैं तो आपने जितना भी गल्लक में काम किया, जितना भी आपने कैश फ्लो का काम किया, उसको उठाकर आप अपने लोकर को वेस्ट में रख दीजिए। यह भी एक बहुत अच्छा उपाय आपको मिलता है। यह बात हुई आपकी इन जनरल सिटिंग की, आपके लॉकर्स की, आपकी फेसिंग की, आपके कलर्स की। और डिटेलिंग की बात करें तो अब बात आती है आपको अपना प्रोडक्ट कहां रखना चाहिए। बेस्ट डायरेक्शन है प्रोडक्ट को रखने की वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ।
जब हम इन तीनों डायरेक्शंस की बात करते हैं तो इन तीनों डायरेक्शंस में आपको अपने प्रोडक्ट्स को रखना ही चाहिए। उसके बाद बात आती है कि बाकी जगह पर भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, तो यहां से मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर वो प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन है, जिसकी बिक्री पे सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है, या जिसकी जो आपकी मार्केटिंग है, जिसकी जो सेल है वो रुकी हुई है, इन तीनों जगह पर रखने से आपकी सेल मार्केटिंग इंक्रीज हो जाएगी, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सपोजिंगली अगर आपकी सेल रुकी हुई है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सबसे अच्छा काम करता है। नॉर्थ तब जब एक ही प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट भी है और उसकी रेगुलर फ्लो बना रहना चाहिए, और वेस्ट तब जब आपको किसी एक चीज के ऊपर मेजर प्रॉफिट चाहिए जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा। इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट रखने होते हैं, इस तरीके से आपको बैठना होता है, इस तरीके से आपको अपने कलर्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम कॉमर्शियल्स की बात करते हैं तो कस्टमर जो है वो ज्यादातर, अगर आपके कपड़े का दुकान है तो आपका कस्टमर जो है उसका ट्रायल रूम हमेशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में ही होना चाहिए, वो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देता है। लेकिन अगर आप वहां पर नहीं बना सकते तो सेकेंड ऑप्शन आपका वेस्ट रहता है। कभी भी गलती से भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में और ईस्ट साउथ ईस्ट में ट्रायल रूम या सैंपल का रूम ना बनाएं, या वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को ना रखें, या रखते भी हैं तो उन प्रोडक्ट को मत रखें जहां पर सबसे मेन अट्रैक्शन है। इन बातों का ही ध्यान रखने से आपके जो व्यापार है उसमें बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो ऐसे उपाय जो आपके व्यापार को बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं। नंबर एक कि आप अगर अपना जो गुल्लक है, जो अपना लॉकर है, उसके अंदर अगर आप थोड़े बहुत शीशे रख लेते हो, अगर वो साउथ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में नहीं है तो अगर आप उसके अंदर शीशे रख लेते हो या एक मिरर रख लेते हो तो वो आपको काफी अच्छा हद तक हेल्प करता है। नंबर सेकंड, नॉर्थ में एक स्पॉटलाइट लगा देने से भी आपके कस्टमर फुटफॉल इंक्रीज होता है। इस छोटे छोटे उपायों को करने से ही आपका बिजनेस जो है वो नई तरक्कियों को पाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाता है। रेस्ट कॉमर्शियल वास्तु के लिए डिपेंड करते हैं लैंड एनर्जीज और साथ ही साथ में कि एक्यूरेट आपका बिजनेस किस चीज का है और आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अपने सुझाव देते रहिए। मैं जल्द अगली वीडियो के साथ में आपको मिलूंगा। आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं कि आप किस बारे में सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।